चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। परिवादी ने तारीख 13 जनवरी 2016 को पुलिस थाना जयपुर राजस्थान में यह अभिकथन करते हुए 2016 की प्रथम इत्तला रिपोर्ट से 16 दर्ज कराई कि अपीलार्थी ने उसके साथ 37 लाख रुपए से अधिक की रकम का छल किया था और इसलिए उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 406 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया था। यह भी अभिकथन किया गया था कि अपीलार्थी ने परिवादी के पक्ष में 18 लाख रुपए का एक चेक जारी किया था, जिसके द्वारा 37 लाख रुपए की रकम का एक भाग लौटाया गया, किंतु उसने पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 का अतिक्रमण करते हुए उस चेक का भुगतान रुकवा दिया था। पैरा। इसके पश्चात परिवादी ने तारीख 21 जनवरी 2016 को या उसके आसपास अपीलार्थी द्वारा पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन अपराध कारित किए जाने का अभिकथन करते हुए 2016 का परिवाद मामला संख्या 206 फाइल किया। इस परिवाद मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया और अपीलार्थी को समन जारी किए गए। अन्वेषक अधिकारी ने काफ़ी समय पश्चात तारीख 15 अगस्त 2016 को या उसके आसपास अपीलार्थी के विरुद्ध एक आरोप पत्र फाइल किया, जो कि 2017 का मामला अपराध संख्या 18 है। यह स्पष्ट नहीं है कि अपराध मामला इतनी देर से क्यों रजिस्ट्रीकृत किया गया, किंतु चाहे कुछ भी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। पैरा। अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात गिरफ्तारी के डर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपने विरुद्ध दर्ज प्रथम इत्तला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए समावेदन किया। मामले के अभिलेख से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने तारीख 7 फरवरी 2017 को प्रथम इत्तला रिपोर्ट का अभिखंडित करने से इनकार कर दिया, किंतु अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए 2 मास का समय अनुदत्त किया। संभवतः यह निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी को इस अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने तारीख 11 अप्रैल 2011 को एक बार फिर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समावेदन किया और इस बार उसने विचारण न्यायालय के
समक्ष उपस्थित होने के लिए 2 सप्ताह की अतिरिक्त अवधि की मांग की। ऐसा प्रतीत होता है कि यथा प्रार्थित समय अनुदत्त कर दिया गया और अनंत तारीख 24 अप्रैल 2017 को अपीलार्थी विचारण न्यायाधीश के समक्ष हाजिर हुआ और उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया था। अपीलार्थी तब से न्यायिक अभिरक्षा में है। 14 तारीख 23 जनवरी 2018 को जब यह अपील हमारे समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, तब परिवादी का प्रतिनिधित्व विद्वान काउंसिल ने किया था। हालांकि यह कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, तथापि परिवादी को अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने मौखिक अनुरोध पर पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद राजस्थान राज्य को सूचना जारी की गई थी, जबकि परिवादी की ओर से उसके विद्वान काउंसिल ने सूचना अभिग्रहण की थी। विशेष इजाजत याचिका का उत्तर फाइल करने के लिए अनुरोध किया गया था और चूंकि अपीलार्थी काफ़ी लंबी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में था, इसलिए इस प्रयोजन के लिए 2 दिन का समय मंजूर किया गया था। समाप्त।